क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर चिल्ड्रन लेट्स स्टार्ट रीडिंग चैप्टर वन द वुडन बाउल। वंस देयर वाज एन ओल्ड मैन ही लिव्ड अलोन एज हिज वाइफ हैड डाइड। एक बार की बात है कि ये वृद्ध व्यक्ति क्योंकि उसकी वाइफ मर चुकी थी इसलिए वह अकेला रहता था। हिज हैंड्स वर शेकी एंड हिज आई साइट वाज ब्लर्ड। उसके हाथ कांपते थे और उसको धुंधला दिखाई देता था। ही कुड नॉट इवन वॉक प्रॉपरली। वह अच्छी तरह वॉक भी नहीं कर सकता था, अच्छी तरह चल भी नहीं पाता था। ही वॉज लोनली एंड हेल्पलेस। वह अकेला था और असहाय था। सो ही वेंट टू लिव विद हिज सन एंड हिज फैमिली। तो वह अपने बेटे और अपने परिवार के पास रहने के लिए गया। एज ही सेट डाउन फॉर लंच एट द टेबल विद द फैमिली ही वॉज अनेबल टू ईट प्रॉपरली। जैसे ही वह अपनी फैमिली के साथ लंच करने के लिए बैठा वह ठीक तरह से खाने में भी अनेबल था। हिज हैंड्स एंड आई साइड मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू ईट प्रॉपरली। उसके हाथ क्योंकि उसके हाथ कांपते थे और उसको ब्लर दिखाई देता था, धुंधला दिखाई देता था, इसलिए उसके लिए ठीक से खा पाना कठिन था। द फूड फेल ऑफ हिज स्पून ऑन टू द फ्लोर एंड द सूप स्पॉइल्ड हिज क्लॉथ्स। खाना द फूड फेल ऑफ हिज स्पून। खाना उसकी चम्मच से गिर जाता था क्योंकि उसके हाथ कांपते थे। ऑन टू द फ्लोर फर्श पर गिर जाता था और जो सूप था वह उसके कपड़ों पर ही गिर जाता था और उसके कपड़े ख़राब हो जाते थे। ही आल्सो स्पिल्ड वाटर ऑन द टेबल क्लॉथ। उसने टेबल क्लॉथ पे वाटर भी फैला दिया था। हिज सन एंड हिज वाइफ डिड नॉट लाइक दिस मैस। उसके बेटे और उसकी बेटे की पत्नी को ये गंदगी पसंद नहीं आती थी। सो दे सेट ए स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर। तो उन्होंने कॉर्नर पे उसके लिए एक स्मॉल टेबल रख दी। सिंस ही हैड ब्रोकन ए डिश और टू हिज फूड वॉज सर्व्ड इन ए वुडन बाउल। क्योंकि वह एक दो डिश तोड़ चुका था, डिश मीन्स थाली या प्लेट तोड़ चुका था, इसलिए उसका भोजन एक वुडन बाउल में परोसा जाने लगा। उसको वुडन बाउल में खाना दिया जाता था। वुडन बाउल लकड़ी का कटोरा। देयर द ओल्ड मैन वॉज मेड टू ईट अलोन। वहाँ पर जो वृद्ध व्यक्ति था, जो बूढ़ा व्यक्ति था, वह अकेले खाना खाता था। देयर फोर मील टाइम्स वर नॉट हैप्पी फॉर हिम। इसलिए वह उस समय खुश नहीं रहता था क्योंकि वह अकेला खाना खाता था, तो जो भोजन खाने का समय था वह उसके लिए हैप्पी टाइम नहीं होता था।